And welcome. My name is Mukbul Azad, and today we are going to talk about future perfect tense. This tense is used to talk about things which will be completed by a certain time in the future. वो चीज़ें जो एक खास वक्त में future में मुकम्मल होंगी उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो future perfect tense use करते हैं. Simple sentences बनाने के लिए तरीकेकार क्या होता है? शुरू में subject, उसके बाद will have, shall have, फिर third form of verb और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. आई शैल हैव पेड माई बिल्स, मैं अपने बिल अदा कर चुका हूँगा. यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम खत्म कर चुके होगे. दे विल हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके होंगे. वी शैल हैव रीच्ड एट आवर डेस्टिनेशन, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके होंगे. शी विल हैव ड्रिवन अ कार, वो कार चला चुकी होगी. तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा. एग्जाम्पल्स है हमारे पास. ही विल नॉट हैव रिटन एन ईमेल टू द कंपनी, वो कंपनी को ईमेल नहीं लिख चुका होगा. ही विल नॉट हैव बॉट न्यू मोबाइल, वो एक नया मोबाइल नहीं खरीद चुका होगा. दे विल नॉट हैव क्लीन्ड देयर हाउस, वो अपना घर साफ नहीं कर चुके होंगे. तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस. अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो विल शैल जो हेल्पिंग वर्ब है वो जुमले के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन. तो विल ही हैव वॉच्ड टेलीविजन, क्या वो टेलीविजन देख चुका होगा. शैल आई हैव पेड यू बैक द मनी, क्या मैं तुम्हें पैसे अदा कर चुका हूँगा. विल दे हैव गॉन होम बाय नाउ, क्या अब तक वो घर जा चुके होंगे. ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. प्लीज़ डू कंसीडर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक इट एंड ऑल्सो